हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ग्लूकोज स्टोर कैसे होता है ग्लाइकोजन में, हमने ये भी देख लिया कि ग्लाइकोजन को तोड़ के हम ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, इसी तरह हमने ये भी देख लिया कि बॉडी जो है वो फ्रॉम स्क्रैच ग्लूकोज कैसे बनाती है। लेकिन हमें ग्लूकोज चाहिए क्यों? हमें ग्लूकोज चाहिए एटीपी बनाने के लिए। एटीपी हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हम ऑक्सीडेटिव पाथवे के थ्रू ग्लूकोज से जनरेट करवाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं। बगैर ऑक्सीजन के भी मिल जाती है लेकिन अमाउंट बहुत थोड़ा सा होता है। सही है। अब इन अभी तक जो हमने दो स्टेप्स पढ़े थे उसमें तो हमारे पास ग्लूकोज आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्लूकोज को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। अब ये ग्लूकोज सिंथेटिक भी हो सकता है, सिंथेटिक का मतलब मेरा ये है कि बॉडी खुद भी बना सकती है, ये ग्लूकोज स्टोर्ड भी हो सकता है, और ये ग्लूकोज मील में भी हो सकता है। जब हमने खाना खाया है तो एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। अब हमारे पास ये येलो वाला पाथवे है, सी दिस, ये वाला पाथवे, किसी को ये लाइट ग्रीन दिख रहा होगा। ग्लूकोज सेल के अंदर आया, अगर लिवर में है तो लिवर में ग्लूकोकाइनेज इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, अगर किसी और सेल में है तो हेक्सोकाइनेज इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो दोबारा फॉस्फोराइलेट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। अब लेट्स स्टॉप हेयर। जिस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप था, इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप है। दिस इज द एंजाइम प्रेजेंट हेयर इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। वी ऑल्सो हैव अ PFK2 एंजाइम, और ये आपके ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर के अंदर है कि रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर PFK1 और PFK2 का इम्पॉर्टेंट रोल किस तरह से है। ठीक है। PFK1 बेसिकली कंट्रोल्स आगे के स्टेप्स सारे। तो PFK1 की वजह से हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोबारा फॉस्फोराइलेट होगा और ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। उसके बाद ये स्प्लिट हो जाएगा, अब तक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, अब ये 3-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 3-3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एक बनेगा G3P ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा बन जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और G3PR इंटरकन्वर्टेबल। सही है। G3P जो है वो मज़ीद आगे जाएगा थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नोटिस अगेन, मेरे पास इधर 2 फॉस्फेट्स हैं और फिर इधर 1 फॉस्फेट है, तो मैं कौन सा एंजाइम यूज़ करूँगा ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और फॉस्फेट निकल गया, फिर कौन सा एंजाइम यूज़ करूँगा ये भी पता होना चाहिए। अच्छा खैर, ये सब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि कहाँ पे लिंक कर रहा है ये। इवेंचुअली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इज़ गोइंग टू क्रिएट हमारे पास पाइरूवेट, जिससे हम बनाएंगे एसिटाइल को ए। अब एसिटाइल को ए इज़ अ वेरी वर्सेटाइल मॉलिक्यूल, बहुत जगह जगह यूज़ हो रहा होता है। लेकिन एसिटाइल को ए देखो किसको लिंक कर रहा है, एसिटाइल को ए लिंक कर रहा है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल को, एसिटाइल को ए लिंक कर रहा है आपकी फैट मेटाबॉलिज्म साइकिल को, फैटी एसिड सिंथेसिस को लिंक कर रहा है, एसिटाइल को ए आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को लिंक कर रहा है, एसिटाइल को ए आपकी कीटोन बॉडी फॉर्मेशन को विच इज़ कॉल्ड कीटोजेनेसिस को लिंक कर रहा है, एसिटाइल को ए इज़ ऑल्सो लिंकिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो एसिटाइल कोए के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है। पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसिटेट बनेगा और ऑक्सैलो एसिटेट अगर बनता है तो इसमें ये देखो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जो के जिसके अंदर कोफैक्टर बायोटिन है। इसी तरह पाइरुवेट से जब एसिटाइल कोए बनेगा तो यहाँ पर एक एंजाइम है थायमी TPP, इसके बगैर ये नहीं हो सकता। सही है। पाइरोफॉस्फेट समथिंग कुछ करके इसका वो होता है, तो इसको तुम लोग देख लो एक दफ़ा, लेकिन अभी सिर्फ ये किस तरह से कनेक्टेड है हम वो देख रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस जब होगा तो एसिटाइल को ए के पास दो तरीके हैं,
या तो वो फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, या फिर वो किस तरफ जाएगा, ऑक्सीडेशन की तरफ जाएगा। अभी ग्लाइकोलाइसिस जो है पता होना चाहिए किधर हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था, और सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, वो कहाँ हो रही होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होगी। ग्लाइकोलाइसिस के बाद एसिटाइल को ए बना, ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए विल बी कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट। ठीक है, कौन से एंजाइम के थ्रू, सिट्रेट सिंथेज, ये पूरे स्टेप्स याद होने चाहिए, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जैलो एसिटेट। ऑक्जैलो एसिटेट दोबारा बन जाता है। ठीक है, ऑक्जैलो एसिटेट में पाइरूवेट से भी बना सकता हूँ, ऑक्जैलो एसिटेट में सिट्रिक एसिड साइकिल से भी बना रहा होता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टेप्स है ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एसिटाइल को ए ब्लॉक हो गया, एसिटाइल को ए नहीं बन रहा मेरे पास, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज नहीं है, एंजाइम नंबर 14 नहीं है, ठीक है, तो मैं किसके थ्रू बनाऊंगा, एंजाइम नंबर 15, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इवन तो मेरे पास ऑक्जैलो एसिटेट आ जाए, जब तक मेरे पास एसिटाइल को ए नहीं होगा, मेरी टीसीए साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी और मेरा ऑक्जैलो एसिटेट सिट्रेट नहीं बनेगा। ये वाला रिएक्शन जो है पाइरूवेट से एसिटाइल को ए रिवर्स नहीं हो सकता। एसिटाइल को एक दफ़ा बन गया तो फिर वो पाइरूवेट नहीं बना सकता, उसको इंटरमीडिएट बनाना होगा वापसी पाइरूवेट जेनरेट करने के लिए। तो हमारी ये साइकिल ग्लाइकोलाइसिस हो गई। ग्लाइकोलाइसिस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्रेब्स साइकिल है, विच ओनली हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो किस जगह होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, मेट्रिक्स के अंदर होती है। और ये सारे एंजाइम जो हैं ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। सक्सिनाइल को ए जो है वो उसकी वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी वो जुड़ा हुआ होता है वॉल के साथ। तो ये हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपको देखना, कि किस तरह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के मॉलिक्यूल्स इंटर रिलेटेड हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटर रिलेटेड है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म से, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट इंटर रिलेटेड है ग्लूकोनियोजेनेसिस से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका एचएमपी शंट से भी रिलेटेड है, विच इज़ एन ऑल्टरनेट पाथवे टू क्रिएट अ 5 कार्बन शुगर, जिससे हम न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। डीएनए आरएनए के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट हैं वो बनाते हैं हम लोग।